एक दौर था जब राजा महाराजाओं के द्वारा लोगों को न्याय दिला जाता था, परंतु आज खुद राजा के वंशज अपनी ही जमीन को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे। पूरा मामला जनपद औरैया की बिदुना तहसील अंतर्गत रूरू कला गांव का है, जहां सड़क के किनारे बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए कुंवर संजय सिंह ने न्याय की गुहार लगा रहे। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले क्षेत्रीय नेताओं की सह पर उन्हें मानसिक परेशान किया जा रहा है। हालांकि गांव के ज्यादातर लोग उक्त विवादित जमीन का मालिक कुंवर संजय सिंह को ही बता रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आपकी जमीन पे जो दबंग लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है? ये जमीन 2019 में मैं इसका मुकदमा जीत गया हूँ, और जीतने के बाद जब यहाँ पर राजस्व टीम आती थी तो ये अपनी लेडीजों को आगे करने के बाद एक प्रेशर बनाते थे, तो राजस्व टीम एक बार उसका लिखित प्रमाण है मेरे पास लेके वापस चली गई। फिर उसके बाद गांव के लोगों ने हमारी ज़मीन, सड़क पहले है उसके बाद मेरी ज़मीन है, उसके बाद एक चक्रोड है उसके बाद इनकी ज़मीन है, तो इन्होंने राजस्व टीम गांव वालों ने जब इसमें एप्लीकेशन डाली कि चक्रोड खुलना चाहिए, तो इन्होंने क्या नाम है महिला पुलिस ने आके चक्रोड को निकलवाया। उसके बाद ये प्रतिदिन चक्रोट जो मैं वो एक चिन्हित जगह थी और उसमें जो खंभे खड़े हुए थे उनको रोज गिराते थे और उसको वो करते थे उसमें क्या नाम है, और तुरंत पुलिस के पास जाके एक प्रेशर बनाते थे कि क्या नाम है दबंग लोग कि मुकदमा लिखा जाए, जो कि एक कल जो है ये देवेश शाक मौके पे बैठ के, देवेश शाक ये कौन है? ये विधायक प्रतिनिधि हैं बिदुना के, और ये क्षेत्र पड़ता है दिव्यापुर के जो विधायक हैं उनका कहना है कि मेरे कोई संज्ञान में ये बात नहीं थी, ये हर जगह इंटरफेरेंस करने के बाद ये दबंगई से इस ज़मीन को कब्जा करना चाहिए, जो कि 2006 से और 2019 तक पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही, पुलिस उनके प्रेशर में रहती है और हमेशा जो है खुद थाने में बैठ के ऐसा कराते हैं, जबकि मेरी तरफ से ना तो कोई आगे जाता है। मेरे गाँव में वो ठाकुर बाप का एक आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरे गांव में केवल 50 वोट ठाकुर है, बाकी शाक बिरादरी हरजन ब्राह्मण यादव 24 जाते हैं। किसी उच्च अधिकारी से आप मिले हैं? मैं इसके बारे में इससे पहले एडीएम से मिल चुका हूं और कई लोगों से इस चीज़ के बारे में कह चुका हूं, हम पे बराबर ये प्रेशर बनाया जाता है, मैं आपकी ज़मीन कूड़ा कर दूँगा और ऐसी ही पड़ी रहेगी और मुकदमा चलता रहेगा, तो आखिर इसका न्याय तो है जब न्यायालय ने ये कह दिया। मीडिया के माध्यम से आप क्या? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझको न्याय मिलना चाहिए, और जितने भी मेरे यहाँ की गरीब जनता और हरजन हैं और महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है और दबाव दिया जा रहा है, इन पे कार्रवाई की जाए।